हर तरफ खौफ है, दहशत है। रोशनी में भी अंधेरे का सफर जारी है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है बैंक मोड़ में। कल रात को ही आप लोगों को खबर मिल गई होगी, कार पार्ट्स और कार सेंटर के दुकान के मालिक दीपक अग्रवाल जी पर गोलियां चलाई गई। खैर, निशाना चूक गया है, घायल अवस्था में उन्हें भर्ती किया गया, हालत अभी स्थिर है। लेकिन एक जो सनसनी कोयलांचल में मच गई है, मेजर इज बैक। कोयला व्यापारियों के साथ, कोयला व्यापारी में शामिल होना चाहते हैं प्रिंस खान, चाहते हैं उन्हें आज़ादी मिल जाए। लेकिन 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के बाद जो नहीं मिल पाई, तो उस तरह से एक गुस्सा कोयलांचल में दिखा है, और खास करके कारोबारियों को टारगेट किया गया है। और आज बैंक मोड़ में बंदी का आह्वान किया गया है, और सारे व्यवसायी जो हैं वो एक साथ आ गए हैं। खैर, नाराजगी जो है वो इस मामले पर हर तरफ से देखने को मिल रही है। क्या आम आदमी, क्या व्यापारी, सरकार से लेकर के प्रशासन, गुस्सा सब पर फूट रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं खून की बूंदें पड़ी हुई है। वैसे दिवाली नज़दीक है, लेकिन धमाका कोयलांचल में शुरू हो गया है। खून की होली खेलने की तैयारी थी, लेकिन निशाना चूक चुका है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दीपक अग्रवाल बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। परिवार के लिए संकट की घड़ी है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो काफ़ी गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि हम गाली भी सुने और गोली भी खाएं, मार भी खाएं। और ये है कोयलांचल, जहां पर गैंगस्टर की साया जो है वो जा नहीं रही है, हट नहीं रही है। आम लोग भी है जुटने लगे हैं, लेकिन सभी भाग रहे हैं। खैर, मामला जो है थोड़ा पेचीदा है, गंभीर है। बोलने से कुछ लोग जो है कैमरे पर कतरा भी रहे हैं। सबको लग रहा है कि कहीं वो निशाने पे ना आ जाएं। वैसे कल 8:30 बजे के करीब का ये मामला है। दीपक अग्रवाल दुकान पर बैठे थे, उनके स्टाफ जो है वो सामान को समेट रहे थे, दुकान बंद करने का वक्त आ रहा था। तब तक एक शूटर जो कि ग्राहक बनकर आया, और उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन दीपक अग्रवाल जो है बस उनके गर्दन को छूती हुई वो गोली जो है टुड्ढी के पास से क्रॉस कर गई। खैर, स्थिरता अभी उनके हालत में दिख रही है, लेकिन फिर भी कोयलांचल जो है वो काफ़ी डर गया है, सहम गया है, और मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। यहाँ की पुलिस जो है घटना होने के बाद घटना स्थल पर पहुँच रही है। प्रशासन को लेकर के जो कड़ी नाराजगी है, आम आदमी से लेकर के व्यापारी या आसपास के जितने भी नागरिक हैं, सब में दिख रही है। ये कोयलांचल की तस्वीरें हैं, जहाँ लोग सुबह होकर अखबार बड़े अच्छे मन से उठाते हैं कि उनके दैनिक दिनचर्या जो है वो उसका पार्ट होता है, लेकिन इस तरह की निगेटिव और बुरी खबर को देख करके कहीं ना कहीं मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। जिसने गुनाह नहीं किया है उसे भी लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ ना हो जाए, और ये दहशत का माहौल है। 10 दिनों के बाद वापस से त्यौहार का माहौल हो जाएगा, लेकिन कोयलांचल में इस तरह के पटाखे फूटने की कोई उम्मीद नहीं थी। रंगदारी का मामला हो या फिर चंदा के नाम पर वसूली लगातार हो रही है, और जो मुकर जा रहे हैं तो फिर उन पर निशाना साधा जा रहा है। सुबह से आसपास के आप देख रहे हैं जो आम जन है, कुछ ने दुकान जो कि रेगुलर बेसिस पे जैसे जूस वाले हैं या समोसा वाले हैं वो तो ओपन किए हैं दुकान, लेकिन उनके अंदर भी है, क्योंकि कई लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे। कई जो दुकानदार हैं वो उस वक्त अपने घर को निकल जाते थे, लेकिन जो बहुत बड़ी अनहोनी थी वो इस मामले में थोड़ी टल गई है। खैर, उम्मीद है दीपक अग्रवाल जी जो है जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। तस्वीरें बहुत रूह को कपाने वाली है, किस तरह से खून जो है जमीन पर बिखरे हुए हैं, और आप देख सकते हैं जितने मात्रा में अभी ब्लड की पोजीशन है, उस वक्त क्या हुआ होगा जब गोली लगी होगी, और क्या माहौल होगा आम आदमी के बीच में। खैर, आप जरूर बताइएगा क्या कोयलांचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, और क्या क्या ऐसी बुराइयां आपको झलक रही है जिससे इस तरह की घटनाएं हो रही है। वैसे तो हम देख पा रहे हैं कि व्यापारी वर्ग में नाराजगी है, लेकिन आप जरूर बताइएगा रंगदारी जैसे मामले में, और खास करके पोस्टर जारी करके जिस तरह से
जिम्मेदारी ली जा रही है, क्या चल रहा है कोयलांचल में, कोयलांचल में जो ये नया कोहराम है उस पर नज़र हमारी बनी हुई है। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।